शहर से सटे ग्राम जूनापानी में लोगों के तेंदुआ देखे जाने की खबर के बाद यहां पर पगमार्क भी मिले हैं। इस बात से इसकी पुष्टि हो गई कि इस क्षेत्र में तेंदुए की हलचल तेज है। ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने के बाद यहां रहने वाले लोगों के बीच भय व्याप्त हो गया है। वहीं वन विभाग द्वारा इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। इसके लिए उन्होंने ट्रैप भी लगाया है और वन विभाग की टीमें तलाश में जुटी हुई है। कोटवार जो हो उसको सूचना दे दी जाए कि भाई कोई खेत में रात बिरात ना जाए, और झाड़ झुंडी में दिन के मामले में भी वो अपने होशियारी से रहे। अच्छा, दो चार उन्होंने ये बात कहा है कि जैसे कुछ यहाँ से निकलता है, और अभी पिंजरा बोले हम लेके आएंगे व्यवस्था करके और कैमरा वगैरह यहाँ लगाएंगे हम। प्राप्त जानकारी के अनुसार खंडवा वन मंडल में तेंदुओं की अधिकता हो गई है और यहाँ पर वन्य प्राणियों की कमी के चलते कई बार तेंदुआ और शिकारी जानवर रहवासी बस्तियों की ओर आ जाते हैं। यह तेंदुआ भी शिकार की तलाश में यहाँ तक पहुँच गया होगा। खंडवा सहित आसपास के क्षेत्रों में कुछ दिनों पूर्व भी कोई हिंसक जानवर देखे जाने के समाचार मिले थे, लेकिन वन विभाग की सर्चिंग के दौरान अभी तक कोई ऐसा बड़ा जानवर उनके हाथ नहीं लगा है। तेंदुए के पगमार्क्स वगैरह मिले हैं, किस तरह की जानकारी है? हाँ, पगमार्क्स मिले हैं, उसके लिए हम लोगों ने केज लगाया है। केज में तो तेंदुआ कल ही लगा दिया गया था केज, लेकिन उसमें तेंदुआ आया नहीं है। आसपास पगमार्क्स मिले, हमारा स्टाफ पूरे एरिया में सर्च कर रहा है। संभावना ये है कि वो जंगल क्षेत्र में चला गया होगा। बीच बीच में चूँकि जंगल क्षेत्र से लगा हुआ एरिया है, अतः यहाँ जो है तेंदुआ पहले भी आता रहा है, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। और अगर बकरी वगैरह कुछ भी मारता है तो उसका तत्काल हम लोग जो है मुआवजा दे देते हैं। सर, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जगह जगह से कि तो कुछ तेंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, या वन क्षेत्र छोटा होने के कारण तेंदुआ बार बार शहरी क्षेत्र में आ जाता है? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। तेंदुआ का जो स्वभाव होता है वो एक्चुअल में फ्रिंजेज में ही रहता है, जंगल और जो है अपना जो आबादी क्षेत्र है वहीं के आसपास रहता है। और जो ये आवारा कुत्ते हैं, इनको मारना, बकरी मारना या इस तरीके से, जब वहाँ जो है अंदर, चूँकि हर्बीवोर्स की संख्या इतनी ज़्यादा इस क्षेत्र में है नहीं, तो हर्बीवोर्स की संख्या कम होने के कारण जो है वो हमेशा आबादी क्षेत्र में जो है आता रहता है। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।